हाथरस भगदड़ केस में अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं। बाबा के सेवादार और समिति के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है, जो अभी भी फरार है। देव प्रकाश मधुकर जिसका नाम है। तो हाथरस भगदड़ केस में अभी तक 6 गिरफ्तारियां, यह आपको बता दें। हालांकि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है, जिस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है। हाथरस की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसमें सबसे पहला नाम है राम लड़ैते का। 50 साल का राम लड़ैते मैनपुरी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी उपेंद्र सिंह यादव है, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मेघ सिंह नाम का एक शख्स है, जो हाथरस का ही रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में चौथा हाथरस का रहने वाला मुकेश कुमार है। तो वही पांचवी आरोपी का नाम मंजू यादव है, जो हाथरस की ही रहने वाली है। छठी और आखिरी आरोपी का नाम मंजू देवी है, ये भी हाथरस की ही रहने वाली है। ये लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं। बाबा के लिए चंदा इकट्ठा करना और भीड़ जमा करना इन्हीं का काम है। ये कार्यक्रम में सभी तरह की व्यवस्था करते हैं। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर फरार है। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बाबा के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं, इसकी जांच की जा रही है। पूरी घटना में बाबा का क्या रोल था, इसकी भी जांच की जा रही है। और हाथरस में हुई भगदड़ के बाद से बाबा नारायण साकार हरि गायब है। इस बीच बाबा की कॉल डिटेल सामने आई, जिससे पता चलता है कि घटना स्थल से निकलने के बाद बाबा ने किन किन लोगों से बात। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बाबा कहाँ हैं, अभी तक सामने क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच बाबा की कॉल डिटेल सामने आई है, जो बता रही है कि हादसे के बाद से बाबा लगातार आयोजकों के संपर्क में था। घटना वाले दिन यानी मंगलवार को बाबा दोपहर 1:40 पर हादसे वाली जगह से निकल गया था। कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला है कि भोले बाबा को दोपहर 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया। हो सकता है कि मधुकर ने बाबा को हादसे की जानकारी देने के लिए फोन किया हो। कॉल डिटेल के मुताबिक बाबा और मधुकर के बीच 2:17 तक बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन लोकेशन 3:00 से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। आश्रम में 3 अलग अलग नंबरों पर बाबा की बात हुई, वो तीनों नंबर फिलहाल बंद है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। तो ये जो नंबर है ये भी पहले नंबर की तरह ही बंद है, जिसको बताया जा रहा है कि महेश चंद्र का ये नंबर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबा ने संजू यादव नाम के शख्स से बात की दूसरे नंबर पर, और 40 सेकंड तक उनकी बातचीत हुई। और क्या बातचीत हुई हालांकि इसका खुलासा नहीं है, लेकिन जो नंबर है वो हम आपको इस पर डायल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नंबर पे जो है अभी चालू है या बंद है। ये देखिए, जिस नंबर से 8859109568, ये नंबर भी जो है ये भी बंद है। हाथरस हादसे के बाद बाबा के साम्राज्य पर पुलिस की नजर है। यूपी के अलग अलग शहरों में बाबा का आश्रम होने की जानकारी सामने आई। बाबा नारायण साकार हरि का यह आश्रम कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव करसुई में है। बाबा का यह आलीशान आश्रम 8 बीघा जमीन में फैला है। आश्रम के गेट पर ही सोने के रंग के बड़े बड़े गुंबद बने हैं। हालांकि इस आश्रम में सेवादारों की संख्या काफी कम रहती है। आश्रम के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं, उसी के मुताबिक सेवादारों की ड्यूटी तय होती है। हालांकि आश्रम के सामने बने रास्ते को लेकर गाँव वालों और सेवादारों में आए दिन विवाद होता रहता है। जो हमारे गांव में आश्रम बना हुआ है ये पूरी तरह अवैध जगह में बना हुआ है। ये जो हमारे गांव समाज की जमीन है उस पे बना हुआ है। ये किसने बनवाया है? ये आश्रम उन्हीं के मिलने वाले और ट्रस्ट वालों ने बनवाया है। और जब ये शुरू में बन रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद कुछ लोगों से मिल के इन लोगों ने आश्रम को बना लिया। यूपी के संभल जिले में भी भोले बाबा का आश्रम है, जो प्रवास कुटिया के नाम से जाना जाता है। हाथरस हादसे के बाद से आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इस आश्रम में बाबा का आना जाना बहुत कम होता है। 12 साल पहले ये आश्रम बनवाया गया था। आश्रम बनने के बाद करीब 1 महीने तक बाबा नारायण साकार हरि यहां रुके थे। यूपी और राजस्थान में भी बाबा के ऐसे कई आश्रम हैं।
लेकिन बाबा जिस आश्रम में रहता है वो काफी लग्जरी है। कई एकड़ में फैला बाबा का ये आश्रम किसी आलीशान महल से कम नहीं है। आश्रम में आधुनिक सुविधा और ऐशो आराम का हर सामान मौजूद है।